जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ जिन भाइयों ने 22 भाइयों की पेमेंट आई थी, किसी के 2000, किसी के 3000, किसी के 1000 और काफ़ी भाइयों के 7000 आए थे। तो उससे मैंने केमिकल ही लिया था और काफ़ी लोगों को भरम है कि मैं पैसों के ऊपर काम करता हूँ, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। और ये और हकीकत में बताऊं, अपने ईमान से मैं किसी भी दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे, घर में सुख शांति दे, व्यापार में लाभ दे। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन पूरी लाइफ में किसी व्यक्ति ने मुझे जो कटु शब्द बोले हैं उसका मुझे बहुत दुख है और ता जिंदगी रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी लाइफ के अंदर आज तक किसी ने इस टाइप के शब्द नहीं बोले। क्योंकि क्या है कि सबके हाथ में अपनी कला होती है। जब वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर हम उछलते हैं, जिससे हमारा घर चलता है, वो काम ही नहीं आ रहा, तो क्या है कि उसका जो वो धन है, जो वो एक तरह का बेईमानी है। मुझे फ्रॉडी कहा, मुझे वो आदमी और जो जो संबोधित किया मैंने दिमाग से उतार दिया है। तो आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अभी क्या है कि जितने भाई हमारे जिनकी पेमेंट आई है, पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूँ और अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसको, जिस भी भाई को अपनी पेमेंट वापस चाहिए विद इंटरेस्ट, उसको बिल्कुल मिल जाएगी। और मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, कि मैं सिर्फ काम करता हूँ आप सब लोगों की भलाई के लिए, कि आप सुखी संपन्न रहें, अपने भविष्य अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दें। तो क्या है कि जो चीज़ें आज तक किसी ने बताई नहीं, कहीं किताबों में नहीं है, क्योंकि क्या है उसमें मैं खपा हूँ, 45 से 50 साल खपा हूँ उसके अंदर। तो आज आपको एक कपड़ा दिखाता हूँ मैं, ये एक कपड़ा है, ये आप देख रहे हैं, बाजू इसकी डार्क येलो है, फ्रंट है लाइट है, उसी तरह इसकी दूसरी बाजू है वो भी बिल्कुल येलो, डार्क येलो है। और इसका जो बैक है, बैक भी बिल्कुल, इसका जो बैक देख रहे हैं आप, बिल्कुल डार्क है। अब इसको मैं बीच में दिखाता हूँ कि ये फ्रंट और बैक में आप जज करके देखें कितना फर्क है। और ये सबसे ही हो जाते हैं, ये बच्चों का खेल होता है, ये कोई ज़्यादा बड़ी कोई वो नहीं है कि भाई बहुत बड़ी 30 मार्का होते हैं ऐसे लोग। कि क्या है कि कपड़े की और केमिकल की समझ होनी चाहिए। सिर्फ आपको कौन से गारमेंट्स पे क्या यूज़ करना है, कौन सा केमिकल कैसे बनाया जाता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा ऑनलाइन। अब ये यूट्यूब वाला, अभी तक तो मैंने पैसे लिए नहीं थे, अब मैं अपनी फीस अवश्य लूँगा, क्योंकि गुरु बिना फीस के आप फ्री में काम नहीं करते। कोई भी सबसे पेमेंट लेते हैं, फ्री में काम कोई नहीं करता। फिर भी ऐसी वीडियो, कुछ वीडियो ऐसी हैं जो YouTube के ऊपर सार्वजनिक सबके लिए आती रहेंगी। बाकी जो हमारे भाई पहले से जुड़े हैं, उनकी जो पेमेंट है वो 7000 ही रहेगी, जो थी वो ही रहेगी। और बाकी जो जुड़ेंगे उसकी पेमेंट अलग से निर्धारित की जाएगी आप सबके सहयोग से। तो दोस्तों, किसी भी युद्ध या कार्य में, कहते युद्ध में
ताकतवर होना जरूर नहीं है, एक तरह का दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हाँ मैं जीत जाऊंगा। और क्या कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर एक चीज़ संभव है, सिर्फ क्या है कि दिमाग में ये बैठा ले कि मुझे करना है और मैं कर लूँगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसको करने से रोक नहीं सकती। तो इसके विषय में बताएंगे और काफ़ी केमिकल, जितने भी केमिकल होते हैं उनके बारे में बताएंगे कि कौन सा केमिकल कैसे बनाया जाता है, जो दो दो चार चार पाँच पाँच सौ रुपये हज़ार हज़ार रुपये के जो केमिकल मिलते हैं वो आपको अगर मान लो 100 रुपये केजी मिल रहा है तो आपको घर के अंदर खुद बनाएंगे बिल्कुल प्योर, तो आपको 20 से 25 रुपए पड़ेगा। और उसी तरह जो 500 रुपए तक के जो केमिकल होते हैं उसको बनाने के लिए, क्योंकि क्या कि बड़े बड़े वैज्ञानिक लगते हैं उसमें, मैं वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, मैं तो अकल से पैदल हूँ और वैसे भी मानसिक रोगी हूँ, लेकिन क्या है कि एक विषय मुझे ऐसा मिल गया है कि मुझे अब खड़ा होना ही पड़ेगा। और मैं कामना करता हूँ उन भाई से भी जो कल अति क्रोधित थे कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो बिल्कुल 24 घंटे बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन ये कहते हैं ना कानूनी दाव पेच, इन चीज़ों को भूल जाइए आप, क्योंकि ये ना मैंने भी आज से 40 साल पहले 20-20 25-25 30-30 लाख की बिलिंग की है, इनकम टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, कि मैं ऐसे ही नहीं हूँ कि भाई ऐसे ही बन गए ऐसे ही शुरू कर दिया काम, ये मैं उसमें तपा हूँ उसके अंदर खपा हूँ, उसी का निचोड़ आप सबको मिल रहा है। जितने भी केमिकल हमारे होते हैं उन सब केमिकल का क्या काम होता है, कौन से फैब्रिक पे किसका क्या परिणाम होता है और वो कैसे बनाए जाते हैं, सब कुछ आपको ऑनलाइन बताया जाएगा। ऑनलाइन मुझे आना नहीं आता, वीडियो भी मैं बनानी भूल गया था, बच्चों की हेल्प, कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त में बच्चों की छुट्टी रहेगी तो बेटे से कह के थोड़ी हेल्प लेके मैं यूट्यूब के ऊपर और जो भी जैसे भी ऑनलाइन आते हैं ऑनलाइन आऊँगा और सबकी प्रॉब्लम सुनूंगा भी और उसका सलूशन निकालने की कोशिश भी करेंगे हम सब मिलके, क्योंकि पूरा राष्ट्र पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमें देश भावना किसी से नहीं रखनी। एक अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान भी वस्त्र पहनता है, लेकिन क्या कि उसको सलीके से पहना जाए, सलीके से, जो मैंने आपको गारमेंट दिखाए थे कल जो वीडियो बनाई थी उससे गंदे कपड़े तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि उसके ऊपर दुनिया भर के कोई भी ऐसी दाग नहीं है जो ना लगा हो, और वो गारमेंट्स बिल्कुल शोरूम की तरह हो जाएंगे, क्या कि उसके लिए कोई ये नहीं हुए कोई जादू करना है उसमें, कि वही चीज़ जो कि यूज़ करनी चाहिए और आप सबको बताया भी जाएगा सिखाया भी जाएगा। सिखाने वाला खैर मैं होता कौन हूँ क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन ये कि जितना मुझे पता है कि मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करूँगा कि आपका थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर सकूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल मुझे अपने घर का छोटा कहते सबसे छोटा मेंबर समझें, जो भी आप हैं बिल्कुल कहे कि बिल्कुल घर का मेंबर समझें, मुझे ये कि गुरु गुरु की उपाधि नहीं चाहिए, मैं गुरु के लायक हूँ भी नहीं, गुरु तो बहुत ही बड़े होते हैं, गुरु है गुरु के तो चरणों की धूल भी नहीं है। तो ये है दोस्तों, ये आपका बड़प्पन है कि आप गुरु कह के संबोधित करते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल बने रहें जुड़े रहें और बहुत ही जल्दी ये सारी चीज़ें अभी शुरू करेंगे, पहले ये जो 20-22 जो हमारे भाई हैं उनसे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन सब भाई जुड़ेंगे उसमें हमारे देश के हों पड़ोसी देश के हों विश्व में कहीं के भी हों वो जुड़ सकते हैं। ज़्यादा इंग्लिश वगैरह मैं नहीं जानता, हिंदी में बात करता हूँ हिंदी में ही, बाकी मुझे ज़्यादा
वो जो वीडियो उड़े के विषय में ज़्यादा पता नहीं है कि जो सीधा साधा जो मुझे आता है उसे ही करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप बिल्कुल बने रहें, जुड़े रहें, और पुनः एक दिन पहले जो हमारा राष्ट्रीय पर्व आ रहा है 15 अगस्त, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।